हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ प्रतीक्षा। मैं हूँ पैडी। और आज हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जी के एक और बयान पे रिएक्शन करने वाले हैं। उसका टाइटल है लाइफ इन जन्ना पार्ट टू। तो देखते हैं वीडियो और हमारे भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इनके भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलो वीडियो देखते कि जन्नत में एक एक दरख्त ऐसा है कि अगर एक घोड़ सवार 100 साल तक, सही बुखारी में आता है, 100 साल तक घोड़े पे भागता रहे, उसके साये से बाहर नहीं निकल सकता। ये जनाब साइज है एक दरख्त का, सर एक दरख्त का। तो कायनात फिर कितनी बड़ी है। बुखारी मुस्लिम में आता है जो सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा ना दोजख से निकाल के, वो सबसे अदना दर्जे का जन्नती होगा। लाखों करोड़ों साल दोजख में जलेगा, जब उसके सारे गुनाह धुल जाएंगे दोजख के अजाब के, बस और आप बस उसके उसके पल्ले सिर्फ ये नेकी होगी, उसने जिंदगी में एक दफा ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा, बस ये कलमा उसने पढ़ लिया होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, या अपने भी वक्त के पैगंबर पे जो अपने जमाने में उम्मतों के थे उन पे ईमान लाए होंगे। तो जैसे ही उसको, बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, दोजख से निकाला जाएगा, अल्लाह ताला फरमाएगा हाँ भाई तेरे लिए जमीन से 10 गुना बड़ी जन्नत। तो कहेगा या अल्लाह तो खुदाओं के मेरे साथ मजाक करता है। तो बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं कि अल्लाह ताला अपनी शान के लायक मुस्कुराएगा उसकी बात के ऊपर। अल्लाह फरमाएगा मजाक नहीं कर रहा, हकीकत बात है कि जो ये रूए अर्थ है, ये जो मेडिकल प्लैनेट अर्थ है, इससे 10 गुना बड़ी जन्नत है उस शख्स के लिए जो सबसे आखिरी दर्जे का जन्नती है। और सर जो शुरू में चले जाएंगे उनकी जन्नतों का कौन अंदाजा लगा सकता है। बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं कि जन्नत में एक दर्जे वाला अपने से ऊपर वाले दर्जे को यूं देखेगा जैसे तुम सितारे देखते हो, और वह फर्क एक नेकी का होगा, एक नेकी का और ये दर्जों का फर्क। ये तो सर आप हमें जब साइंटिस्ट बता रहे हैं ना गैलेक्सीज की तादाद, और बता रहे हैं जी 2.5 अरब गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी में 300 अरब से ज्यादा सूरज और उसके साथ जमीनें हैं, तो ये अल्लाह ने पूरा इंतजाम किया हुआ सर। इस वक्त भी जितनी कायनात डिस्कवर हो चुकी है ना, अगर यही जंतियों में बांट दी जाए ना तो ये भी उससे बड़ी है। अल्लाह ने तो क्या कुछ पैदा कर दिया। इसीलिए कुरान हकीम में आता है ना कि तुम्हारे रब के लश्करों को कोई नहीं जानता उसके सिवा। हम तो ये नहीं मखलूकात का इहाता कर ही नहीं सकते जो कुछ अल्लाह ने पैदा फरमा दिया। तो अल्लाह ताला हमारा है कि टहनियों वाले दरख्त होंगे उन जन्नतों के। फबिया फीहिमा ऐनानि तजरियान, उन बाहों में 2 चश्मे जारी होंगे। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फीहिमा मिन कुल्लि फाकिहतिन ज़ौजान, और उन बाहों में हर तरह के मेवों की भी 2-2 किस्में होंगी, हर मेवे की 2-2 किस्में होंगी। अल्लाहु अकबर। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मुत्तकीन अला फुरुशिन बक़ाइनुहा मिन इस्तबरक, जो जन्नती हैं वो तकिया लगाए बैठे होंगे बिस्तरों पर जिनके अस्तर जो हैं वो गाढ़े रेशम के होंगे। वजनल जन्नतैनि दान, और दोनों बाहों का फल नीचा झुका होगा। ये नहीं है कि जनाब आप वो दरख्त इतने बड़े बड़े हैं तो जनाब आपको कोई सीढ़ी लगा के या किसी ड्रोन में बैठ के जाना पड़े, नहीं, टहनी लटक रही होंगी, बल्कि इशारा करेंगे तो टहनी अपने पास आ जाएगी और आप उसको फल को तोड़ के खाएंगे, क्योंकि जन्नत को तो फना नहीं है, आपके तोड़ के ख़त्म होगा एक और वहाँ पर लग जाएगा। जन्नत में कोई चीज़ खत्म नहीं होनी सर, जितना मर्जी खाओ पियो खत्म कोई चीज़ नहीं होनी, जो आप खाएंगे ना आप, अच्छा और आपको भी तकलीफ से आज़ाद कर दिया, कोई पेशाब नहीं है, कोई पखाना नहीं है। बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, एक खुशबूदार डकार आएगी सब कुछ हजम, और कोई कब्ज वाला मामला नहीं होगा, कोई पेट खराब होने वाला नहीं होगा, वहाँ अपने आप लज्जत के लिए खाएंगे और भूख भी नहीं होगी, भूख के बगैर भी लज्जत की वजह से आप खाना खाएंगे और लज्जत की वजह से आप जितना मर्जी, यहां पे भी लोग भूख के बगैर लज्जत के लिए कितना कुछ खा जाते हैं, कहते हैं मैं तो उन्हें खाना खा के आया, तो रखो तो फिर 2 प्लेटा खा जाते हैं, ठीक। इधर भी इतने लोग मौजूद हैं, बाद में जो कुछ भी बेचारों के साथ होता रहे तो वो एक लादा बात है, लेकिन वहां पर यह कुछ नहीं होगा। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फीहिन्ना क़ासिरातुत तर्फ़ लम यतमिसुहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान, उन जन्नतों में नीची निगाहों वाली हूरें होंगी जिनको ना किसी इंसान ने छुआ होगा ना किसी जिन ने इससे कब्ल। अच्छा, इन आयात से अब यह भी पता चल गया कि जिन्नों के लिए भी एक जन्नत है
और इंसानों के लिए भी जन्नत है। जिन्नों के लिए ज़ाहिर है उनकी रिक्वायरमेंट्स अपनी हैं, आपको पता है सही बुहारी में आता है, सही मुस्लिम के अंदर के नबी अलैहिस्सलाम ने मना किया है कि आप गोबर या हड्डी के साथ स्तंजा ना करें, क्योंकि जिन्नों की खुराक है इसके अंदर। हमारी खुराक तो गोबर या हड्डी के अंदर नहीं अल्लाह ने रखी हुई है। तो जिन्नों की आराइश का, उनकी जो ख्वाहिशात का सामान अलग से है, उनकी जन्नत अलग है, इंसानों की जन्नत अलग है, लेकिन उनके लिए अपनी जिन्नियाँ होंगी, तोड़े से तोड़ियाँ जिन्नियाँ होंगी, ठीक है वहाँ, लेकिन जिन्नियाँ नहीं होंगी वहाँ पे, बड़ी शरीफ किस्म की बीवियाँ होंगी जी। फबी अय्य आला रब्बी कुमात का दीवान का अन्नहुन्नल याकूत वल मरजान, और ये जन्नती औरतें ऐसी होंगी गोया याकूत और मरजान है। वो तो सही बुखारी में आता है कि वो यानी ऐसी ट्रांसपेरेंट हूरें होंगी कि उनकी जो पिंडलियां हैं, पिंडलियों के पीछे हड्डियों में जो गूदा है ना, वो भी ट्रांसपेरेंट नजर आ रहा होगा। यहाँ पे तो खैर इन चीज़ों में शायद कोई इतनी अट्रैक्शन ना हो कि कोई शीशे की कोई हूर बन के सामने आ जाए, वहाँ की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं, वहाँ के लिए वहाँ जाके पता चलेगा। फबी अय्य आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, एहसान का बदला बजुस एहसान के क्या कुछ और भी हो सकता है? आय हाय, ये अल्लाह ही का ही फजल है सर। इसकी इस आयत का जो सोजो गुदाज है ना, वो एक अरबी समझ सकता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसने जिंदगी मेरे लिए गुजारी, जिसने मेरे लिए दुनिया में तकलीफें उठाई, हलाल और हराम की तमीज की, रूखी सूखी खा ली, मेरी वजह से उसे दुनिया में नमाजों की मशक्कत उठानी पड़ी, रोजों की मशक्कत उठानी पड़ी, जिसने इतना एहसान किया है, अल्लाह पे तो नहीं किया लेकिन अल्लाह ताला कदरदान है। अल्लाह फरमाता है जिसने इस तरह का एहसान किया हो तो क्या उसका बदला मेरी तरफ से एहसान के अलावा कुछ और हो सकता है कि मैं भी उसके साथ वैसे ही एहसान करूं? हालांकि हमने अल्लाह पे नहीं एहसान किया हुआ, लेकिन ये अल्लाह ताला की कदर शनासी है कि वो कदर करता है इंसान कि बताओ इस एहसान का, इस नेकोकारी का बदला क्या नेकोकारी के अलावा कुछ हो सकता है? जो तुमने नेकोकारी की तो मैं तुम्हारे साथ वही नेकोकारी करूंगा, यानी मुराद ये कि जन्नत दूंगा। फबी अय्य आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ऐ जिन्नो इंस के ग्रो, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे? सो गाइस, ये था आज का वीडियो, और लाइफ जन्नत की लाइफ कैसी है बताए, मतलब जो इंसान है अच्छे अच्छे जो कर्म करता है वही जन्नत में जाता है, और जन्नत की लाइफ बताया वहाँ के फ्रूट्स वगैरह, मतलब वहाँ पे वो खाने के बाद ऐसा कब्ज वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और सब कितनी ब्यूटीफुल लाइफ है वहाँ की, वह बताया हमारी जो धरती है अर्थ है उससे कई गुना ज़्यादा जन्नत है, और जन्नत और इंसानों की अलग अलग जन्नत है ये भी ऐसा उन्होंने बताया, मतलब उनके स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट भी अलग अलग है दोनों के। तो बहुत ही अच्छा ये वीडियो था, बहुत अच्छा बयान था, आपको कैसा लगा बताइए, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो सच में बहुत अच्छा वीडियो था, और ऐसे भी वीडियो को हमें सजेस्ट कीजिए ताकि हम उस पर भी रिएक्शन कर सके। तो मुझे तो ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, आपको कैसे लगा ये भी कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए।